हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंडार में दो दिवसीय गोभक्ति का कार्यक्रम, उमड़ा गोभक्तों का सैलाब, दिल खोलकर गायों के लिए किया गया दान, गो सेवा में सहयोग करने वाले भामाशाहों का हुआ बहुमान। मंडार कस्बे में संचालित लीलाधर गौशाला भंडार में दो दिवसीय भक्ति स्नेह मिलन कार्यक्रम को लेकर गौशाला परिसर में दिन भर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें आम लोगों के साथ साथ गौ सेवकों के लिए विशेष पंडाल सजाया गया। गौ सेवा में सहयोग करने वाले भामाशाहों का गौशाला संस्था की ओर से माला पहनाकर सम्मान हुआ। साथ ही गौशाला में आजीवन सदस्य बनने वाले लोगों का बहुमान भी किया गया, जिसके तहत करीब 200 के आसपास आजीवन सदस्य नियुक्त किए गए। संस्था के महावीर सिंह देवड़ा ईश्वर भाई माली ने बताया कि दूसरे दिन गौशाला परिसर में साधु संतों के पहुंचने पर गुरु भगवंतों द्वारा सम्मान किया गया। इसके साथ ही गौशाला परिसर में संचालन करने के लिए बेहतरीन स्वागत कार्यालय का निर्माण किया गया है, जिसका आज विधिवत गौ सेवा भक्तों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ है। गौशाला परिसर में बनाई गई धूनी पर आज दिन भर हवन का आयोजन हुआ और विधिवत मुहूर्त भी किया गया। इसी उपलक्ष्य में गौशाला में आजीवन सदस्यों का सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी गौशाला संस्था की ओर से सम्मान हुआ और साथ ही उन्हें धन्यवाद दिया गया कि समय समय पर इसी तरह से उनका सहयोग भी उन्हें प्राप्त होता रहे। गौशाला में पहली बार हुआ गो भक्तों के लिए बेहतरीन आयोजन। महावीर सिंह देवड़ा ने बताया कि लीलाधर गौशाला में करीब 550 आसपास गायों का लालन पालन हो रहा है, जिसके लिए रोज सहयोग की जरूरत होती है। इस बार सभी गो भक्तों को सेवा करने का अवसर मिला, उसके लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत जालौर, सिलोही, पाली और गुजरात से अनेक भामाशाह गो भक्तों ने गौशाला पहुंचकर गायों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उदार मन से गायों के लिए सहयोग भी किया। गौशाला परिसर में पहुंचे ग्रामीणों और गो भक्तों के लिए प्रसादी का आयोजन रखा गया, जिसमें दिन भर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसादी का लाभ उठाया। गौशाला में अनेक निर्माण कार्य प्रगति पर है। लीलाधर गौशाला में वर्तमान में गायों और पेड़ पौधों के लिए करीब 3 लाख लीटर पानी की टंकी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें गो भक्तों के सहयोग से कार्य प्रारंभ हुआ है। साथ ही गायों के लिए डीसा माली समाज के ग्रुप द्वारा करीब 8 लाख खर्च करके एक बेहतरीन सेंट बनाया गया है और इसके अलावा गो भक्त भगवत सिंह करडा की तरफ से 11 लाख रुपए की राशि स्वागत कार्यालय के लिए भेंट की गई है। कार्यक्रम में गौऋषि श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, गोधाम पथमेड़ा श्री पतिधाम के संस्थापक श्री गोविंद बल्लभ दास जी महाराज ने भी अपने विचार रखकर गो भक्तों को गायों के जीवन के बारे में जानकारी देने के साथ ही गायों की सेवा करने से मन और आत्मा को क्या लाभ होता है उसके बारे में भी विस्तार से समझाया। गौशाला में सहयोग देने वालों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान हुआ। महावीर सिंह देवड़ा मंडार, कृष्णवीर सिंह देवड़ा राहुआ, महिपेंद्र सिंह देवड़ा राहुआ, नाथूलाल देवल उचमत, सरपंच परवत सिंह, उप सरपंच देवी सिंह देवड़ा, जितेंद्र सिंह राठौर, सत्यनारायण सिंह सैनी, कल्याण दास, वैष्णव अशोक सैनी, छगनलाल रावल, रणछोड़ प्रजापति, रत्नाराम चौधरी, दीपक माली, गोपाल सिंह, दिनेश घाची, विक्रम पांचाल सहित कई गोभक्त इस समय उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए मंडार से अशरफ भाटी की रिपोर्ट।